सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जेन ऑस्टिन के एक नावल जिसका नाम है सेंस एंड सेंसिबिलिटी। इस वीडियो में हम इस नावल के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसके करेक्टर और इसकी समरी के बारे में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई एम अफसर खान एंड यू आर वॉचिंग स्कॉलर 360। जैसा कि हम जानते हैं कि जेन ऑस्टिन, जिसने सेंस एंड सेंसिबिलिटी नाम का ये नावल लिखा है, वो एक अच्छी राइटर थी रोमांटिक एज की। इनके नावल्स अपने आप में एक खास तरह के नावल्स होते थे जिनमें करेक्टर्स का अपना एक यूनिवर्स होता था। हमें इनके वर्क्स में किसी दूसरे वर्क्स का या किसी दूसरे इवेंट का जो रेफरेंस है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। इन्होंने जो लाइफ रिप्रेजेंट की है वो इनके खुद के टाइम की थी, यानी कि जब इनका टाइम था इन्होंने वही टाइम को रिप्रेजेंट किया है अपने नॉवल्स में। और ख़ास बात ये है कि जब इन्होंने अपने वर्क्स लिखे तो यूरोप की पॉलिटिकल कंडीशन स्थिर नहीं थी। ये टाइम नेपोलियन का टाइम था और वॉर चल रही थी पूरे यूरोप में। और 1850 में वाटरलू के वॉर में ब्रिटेन ने आखिरकार नेपोलियन को हरा दिया था, और ये काम हुआ था जेन ऑस्टिन की डेथ से 2 साल पहले। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, तो एक साइड तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, केओस है पूरे यूरोप में, लेकिन जेन ऑस्टिन ने कभी अपने नॉवल्स में इन चीज़ों को मेंशन नहीं किया। जेन ऑस्टिन की नॉवल की दुनिया बिल्कुल अलग थी। सो इसकी समरी शुरू करने से पहले इसके कुछ की फैक्ट्स देख लेते हैं। सो इस नॉवल का फुल टाइटल है सेंस एंड सेंसिबिलिटी, और ये लिखा गया था 1790 में और ये पब्लिश हुआ था 1811 में। और ये जब लिखा गया तो उस टाइम पे पीरियड चल रहा था रोमांटिसिज्म, और ये नॉवल नॉवल ऑफ मैनर्स की कैटेगरी में आता है। और इसकी जो सेटिंग रखी गई है वो कंटेम्प्रेरी टाइम में ही रखी गई है, इंग्लैंड में, अलग अलग स्टेट्स में। जेन ऑस्टिन ने जब ये नॉवल लिखा था तो उसे ए लेडी नाम के टाइटल से लिखा था। एंड वन मोर थिंग, जेन ऑस्टिन ने ये नॉवल एज ए एपिस्टोलरी नॉवल लिखा था। अब ये एपिस्टोलरी नॉवल क्या होता है? जब कोई भी वर्क लेटर फॉर्म में लिखा जाता है तो उसे ही एपिस्टोलरी नॉवल कहते हैं। इसकी समरी शुरू करने से पहले हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट करेक्टर के बारे में जान लेते हैं। तो पहला करेक्टर जो है वो मिसिज डैशवुड का है। मिसिज डैशवुड एलिनोर, मैरियन और मार्गरेट की मदर होती हैं, जो कि बहुत काइंड मदर हैं और अपनी तीनों बेटी को अपने हस्बैंड के साथ में खुश देखना चाहती हैं। सेकंड करेक्टर जॉन डैशवुड का है। ये एलिनोर और मैरियन का हाफ ब्रदर है। ये अपने आप को काइंड समझता है लेकिन वैसा होता नहीं है, क्योंकि इसका बिहेवियर जो है वो ग्रीडी टाइप का है और ये अपने सिस्टर्स की फाइनेंशियली मदद नहीं करता। नेक्स्ट करेक्टर होता है फैनी डैशवुड का, और ये थोड़ा इम्पोर्टेंट करेक्टर है। फैनी जॉन डैशवुड की पत्नी है और फैनी पूरी तरीके से लालची है। फैनी नहीं चाहती कि इसका जो हस्बैंड है वो अपने सिस्टर्स की मदद करे। नेक्स्ट टू करेक्टर इस नॉवल के प्रोटागोनिस्ट हैं। पहला एलिनोर डैशवुड। एलिनोर डैशवुड फैमिली में सबसे बड़ी बेटी है और मैरियन और मार्गरेट की सबसे बड़ी बहन है। ये रेशनल है, थिंकर है, और ये टाइटल में जो सेंस है उसको रिप्रेजेंट करती है। एलिनोर बहुत ही पोलाइट है और ये अपने इमोशंस को कंट्रोल करती है। हालांकि इसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है लेकिन फिर भी ये वैसी ही बनी रहती है। इस नॉवल का सेकंड प्रोटागोनिस्ट है मैरियन डैशवुड। मैरियन बिल्कुल अपनी बहन से अलग है और मैरियन सेंस एंड सेंसिबिलिटी में सेंसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। मीन्स सेंस को रिप्रेजेंट करती है एलिनोर और सेंसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है मैरियन। ये रोमांटिक है, इमोशनल है और सेंटिमेंटल है। द नेक्स्ट करेक्टर होता है एडवर्ड फेरेस का। एडवर्ड काइंड है, ऑनरेबल है और एक जेंटलमैन है। ये जॉन डैशवुड की वाइफ फैनी डैशवुड का भाई है और ये एलिनोर से लव करता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट करेक्टर है कर्नल ब्रैंडन। ये डैशवुड फैमिली को बार्टन पार्क में मिलता है और ये एक ओल्ड बैचलर है, 35 ईयर्स ओल्ड। ये एक अच्छा आदमी है और ये असल में चाहता है कि ये शादी करे मैरियन से। और लास्ट में हम बात करते हैं जॉन विलबी की। ये नॉवल का एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट मींस विलन है। स्टार्टिंग में विलबी मैरियन को बहुत ही अच्छा बनकर दिखाता है और जब मैरियन को इससे प्यार होता हो जाता है तो कुछ दिन बाद ये मैरियन को छोड़ के चला जाता है और कहीं दूसरी एक लड़की से शादी कर लेता है उसके पैसों की वजह से। इसका नॉवल में एक इम्पोर्टेंट रोल है। इसमें और भी बहुत सारे माइनर करेक्टर हैं लेकिन हम इम्पोर्टेंट करेक्टर की ही बात करेंगे। सो अब बात करते हैं इसकी समरी के बारे में।
जैसा हम बात कर चुके हैं कि ये स्टोरी है एलिनोर और मैरियन डैशवुड दो सिस्टर्स की कहानी है। ये नॉवल स्टार्ट होता है नॉरलैंड पार्क में, जहाँ पर हेनरी डैशवुड जो कि फादर है एलिनोर, मैरियन और जॉन का, वो अपने डेथ बेड पर है, यानी कि मरने वाला है। उसके पास एज ए वेल्थ 10,000 पाउंड्स हैं, जो सीधा सीधा उसके बड़े बेटे जॉन को जाने वाले हैं। जॉन ऑलरेडी एक रिच आदमी है, क्योंकि उसकी माँ से उसे काफ़ी पैसे मिले हैं और उसने एक रिच फैमिली में शादी की है, फैनी फेरिस से। हेनरी डैशवुड मरने से पहले जॉन से कहता है कि वो वादा करे कि वो अपने तीनों सिस्टर्स, यानी कि जो हाफ सिस्टर्स हैं, उनकी मदद करेगा। लेकिन असल में मरने के बाद में जब जॉन को सारे पैसे मिल जाते हैं तो वो कोई मदद नहीं करता। हेनरी डैशवुड के मरने के बाद मिसिज डैशवुड वहाँ रहना बिल्कुल नहीं चाहती नॉर्लैंड पार्क में, क्योंकि वो फैनी डैशवुड को बिल्कुल पसंद नहीं करती। फैनी डैशवुड यानी कि जॉन की वाइफ को पसंद नहीं करती। लेकिन एलिनोर अपनी मदर को मना लेती है कि जब तक उन्हें दूसरा घर कहीं नहीं मिल जाता, वो तब तक यहीं पर ही रहेंगे। अब स्टोरी में एडवर्ड फेरेस नाम का एक करेक्टर आता है। एडवर्ड फेरेस फैनी का ब्रदर है और एक अच्छा आदमी है। ये एलिनोर के कॉन्टैक्ट में आता है और एलिनोर और एडवर्ड को आपस में प्यार हो जाता है और ये शादी करना चाहते हैं। लेकिन एलिनोर पूरी तरीके से श्योर है कि एडवर्ड की मदर और उसकी सिस्टर फैनी उसे एलिनोर से शादी बिल्कुल कभी नहीं करने देंगी, और ऐसा ही होता है। इसलिए मिसिज डैशवुड उस जगह को छोड़ देती हैं और कहीं और जाकर रहने लगती हैं। मिस डैशवुड फैमिली बार्टन कॉटेज मूव कर लेती है। वहाँ पर एक दिन मैरियन और मार्गरेट शाम को घूमने जाती हैं और घूमते घूमते मैरियन के पाँव में मोच आ जाती है। तो वहाँ पर एक अनजान आदमी जिसका नाम होता है जॉन वेलेबी, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी कि ये इस नॉवल का विलन है, जो पास में ही एलनहैम कोर्ट में रहता है और वो मैरियन की मदद करता है, उसे सही सलामत घर ले आता है और मैरियन और विलेबी को आपस में प्यार हो जाता है। लेकिन कुछ टाइम बाद ही विलेबी अनएक्सपेक्टेडली मैरियन को छोड़ के चला जाता है और उसकी कोई खास वजह भी नहीं बताता। इससे मैरियन बहुत ही परेशान हो जाती है, बहुत ही दुखी हो जाती है। वहाँ पर एक औरत होती है लेडी मिडलटन नाम की, जो मैरियन को कर्नल ब्रैंडम से मिलाती है। कर्नल ब्रैंडम एक अच्छे आदमी हैं और मैरियन उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन कर्नल ब्रैंडम मैरियन की काफ़ी तारीफ करते हैं। वहाँ पे एक और माइनर सा करेक्टर है जिसका नाम है लूसी। वो एलिनोर को यकीन दिलाती है कि उसकी जो इंगेजमेंट है वो एडवर्ड फेरेस से हो चुकी है और उनकी ये इंगेजमेंट सीक्रेटली है, जिसे 4 साल हो चुके हैं। एलिनोर को ये जानकर सरप्राइज होता है, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेती है। मिसिज जेनिंग्स जो कि लंदन में रहती है, वो एलिनोर और मैरियन को इनवाइट करती है कि वो उसके साथ में आकर रह सकते हैं। मैरियन लंदन जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है, क्योंकि वो जानती है कि विलेबी वहाँ रहता है और उनकी मुलाकात वहाँ पर हो सकती है। तो मैरियन विलेबी के लिए लंदन जाना चाहती है। लंदन पहुंचने के बाद में मैरियन विलेबी को बहुत सारे लेटर लिखती है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता। और फाइनली एलिनोर और मैरियन विलेबी को एक डांस पार्टी में देखते हैं। वहां पर विलेबी एक रिच गर्ल मिस ग्रे के साथ में डांस कर रहा होता है। वहां पर जब मैरियन विलेबी से इस बात की एक्सप्लेनेशन मांगती है, तो विलेबी उसे बहुत ही रूडली आंसर देता है और कहता है कि वो अब मिस ग्रे से शादी करने वाला है। कर्नल ब्रैंडम जो कि ऑलरेडी लंदन में है, और जब उसे पता चलता है विलेबी और मैरियन के बारे में, तो उसे दुख होता है और वो अपनी खुद की कहानी जो कि रिलेटेड है विलेबी के बारे में, वो जाके एलिनोर से बताता है। वो एलिनोर से बताता है कि एक लड़की है एलिजा नाम की, जो कि कर्नल ब्रैंडम से रिलेटेड है, उसकी बेटी जैसी है। विले भी उससे भी प्यार का नाटक करता है और उसे भी धोखा देता है और वहाँ से चला जाता है। विले भी और कर्नल ब्रैंडम में एक बार झगड़ा भी हुआ था। उधर जॉन डैशवुड और फैनी डैशवुड भी लंदन आ जाते हैं और वो कई लोगों को इनवाइट करते हैं अपने घर पर, जिसमें कि लूसी नाम की लड़की भी होती है। अब लूसी नाम की लड़की के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये वही लड़की होती है जिसने, जो एलिनोर से कहती है कि उसने जो है एडवर्ड से सीक्रेटली इंगेजमेंट कर ली है। लूसी और फैनी डैशवुड आपस में बहुत ही फ्रेंडली हो जाती हैं
और लूसी गलती से अपना सीक्रेट फैनी को बताती है। फैनी ये सुनकर बहुत ही गुस्से में हो जाती है और लूसी को अपने घर से बाहर कर देती है। वहाँ पर कुछ दिन बाद मैरियन बहुत बीमार हो जाती है और कर्नल ब्रैंडम उसकी बहुत मदद करते हैं और सभी को लगता है कि मैरियन अब सरवाइव नहीं कर पाएगी और वो अपनी माँ से मिलना चाहती है। तो कर्नल ब्रैंडम मिसिज डैशवुड को लेने के लिए जाते हैं और वो मैरियन के लिए मैरियन की माँ को लेके आते हैं। और इसी टाइम विलेबी भी वहाँ पर आता है जब उसे पता चलता है कि मैरियन बहुत बीमार है और एलिनोर को बताता है कि किस तरह से उसने वो चीज़ें नहीं लिखी बल्कि उसकी जो वाइफ है उसने एलिनोर के लिए वो चीज़ें लिखी, जो रूडली जो लेटर लिखा था वो विलेबी की वाइफ ने लिखा था और उसकी वाइफ विलेबी की वाइफ उसे छोड़कर चली गई। जब ये चीज़ें सुनती है एलिनोर तो उसे विलेबी के लिए बहुत ही दुख होता है। कुछ दिन बाद मैरियन ठीक हो जाती है और वो पूरी फैमिली बार्टम कॉटेज लौट जाते हैं वापस। घर पहुंचने के बाद में एलिनोर मैरियन को बताती है कि किस तरह विलेबी वहां पर आया था और वो सॉरी है जो उसने जो कुछ किया उस पे बड़ा ही दुखी है। तो एलिनोर कहती है कि अब जो है वो उसके लिए बहुत ही दुखी हो चुकी है, उसकी फैमिली काफ़ी दुखी हो चुकी है विलेबी के लिए। सो अब वो कुछ नहीं चाहती विलेबी से। एक दिन वहाँ पर खबर आती है कि एडवर्ड फेरेस जो कि फैनी का भाई था उसकी शादी हो गई है। तो एलिनोर को ये जानकर बड़ी दुख होता है और वो अपने माइंड से एडवर्ड को निकालना चाहती है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि बार्टम कॉटेज में एडवर्ड फेरेस खुद आता है और एक्सप्लेन करता है कि उसकी कभी इंगेजमेंट नहीं हुई और ना ही उसकी शादी हुई बल्कि उसका जो बड़ा भाई था रॉबर्ट उसके साथ में लूसी जो है भाग गई थी। एंड में सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है और एंड में एडवर्ड शादी कर लेता है एलिनोर से और उसके बाद में कर्नल ब्रैंडम से शादी के लिए हाँ कर देती है मैरियन भी। और नोवेल का एंड होता है दो कपल्स की शादी के साथ में। सो अगर हम इस नोवेल की थीम की बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी थीम आती है लव एंड मैरिज। तो हमने देखा कि इस नोवेल में सभी कुछ लव और मैरिज के ही चारों तरफ घूमता है। जैसे हमने देखा स्टार्टिंग में एलिनोर को लव हो जाता है लेकिन उसे अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना पड़ता है और एंड में जाके उसकी शादी होती है। लेकिन उधर मैरियन लव करती है लेकिन उसे धोखा मिलता है। लेकिन बाद में जिस इंसान को वो पसंद नहीं करती थी, कर्नल ब्रैंडम को वो पसंद नहीं करती थी, लेकिन फिर बाद में उसको उसी से प्रेम हो जाता है और तब जाके उनकी शादी होती है। और यहाँ पर लव और मैरिज के लिए जो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है, बैरियर है, वो है सोशल स्टैंडर्ड और वेल्थ। इसी के बेस पर फैमिली डिसाइड करती है कि कौन किससे शादी करेगा और किससे शादी नहीं करेगा। और इन चीज़ों को जेन ऑस्टिन अपने इस नॉवल में बहुत ही अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करती है। और इसके बाद में हम आसानी से देख सकते हैं कि करेक्टर किस तरह से टाइटल का जो क्वालिटी है उनको रिप्रेजेंट करता है। सेंस और सेंसिबिलिटी, सेंस को रिप्रेजेंट करती है एलिनोर और सेंसिबिलिटी को मैरियन। इसके बाद में जेन ऑस्टिन ने बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है कि उस टाइम के इंग्लैंड में वुमेन की क्या स्टैंडर्ड था सोसाइटी में। सो इस वीडियो में हम काफ़ी टॉपिक्स पर बात कर चुके हैं। अगर कोई टॉपिक्स रह गया हो और आपके अभी भी कोई क्वेश्चंस या डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे।